अच्छा लोगों की बातें होती, कुछ लोगों की बातें सुन लो ना यार। मैं कल सारी रात बिस्तर पे लेटा और मैं सोचता रहा कि हम चप्पल के बगैर तो चल सकते हैं, मगर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। लोगों का जहन, लड़कों की मोहब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? एक लड़का कह रहा है, कुछ लड़कियां कहती है मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, हालांकि जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक ही नहीं कर रही। मतलब ये कोई गिफ्ट दे दे, घड़ी दे दे, लड़का कैप पहनता गर्मी में वो दे दे। अब एक छोटी सी बात है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही, मेरे सामने कोई झूठ बोलता है ना मैं फौरन पकड़ लेती हूँ। लड़का कह रहा अच्छा फिर तो मैं रोज झूठ बोलूंगा। देखो झूठ पकड़ लेती है, जैसे मैं समझता हूँ कि जो मजलूम है वो लड़का है बेचारा। क्यों? देखिए ना, अब लड़का बेचारा सुबह 9 बजे जॉब पे जा रहा है। आए, आए, ये ऑफिस, ये 9 to 5 वालों की क्या जिंदगी है? 9 बजे तो उसका ऑफिस लगता है, जाता तो वो 7 बजे घर से। देखिए हमारे मुल्क की प्रॉब्लम क्या, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि गुर्बत इतनी है, हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि मुर्गी खरीद के खा नहीं सकते, और जहालत इतनी है कि जाली बाबा को बकरा दे आते हैं। जवान बेटा मर गया, अब वो रोरी मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे ने दुनिया में देखा ही क्या था। पड़ोस से एक लड़की भागती हुई कहेंगे आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैंने उसे सब कुछ दिखा दिया था। मतलब झीले पार्क, इसका मुझसे पूछो, इसकी भी इसको कह रही है कौन सा कानून है कि तुम्हें खाना भी मैं ही बना कर दूं? ये क्या कह रहा है? कह रहे दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना हुकूमती फराम करती है। ये बीवी से पूछ रहे तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? इसकी बीवी क्या कह रही है? चटनी पीसते वक्त मैं आपको ध्यान में रखती हूँ ना। हमारे यहाँ मर्दों ने कभी भी हुकूक नहीं मांगे, जब भी मांगा सेल नंबर मांगा, तस्वीर मांगी, उसके बाद एक और चीज मांगी, वो नहीं बता रहा, वो नहीं बताऊंगा। वो धूप में स्कूटर खड़ी हुई है, वो तपा वो ऑफिस से निकला और जैसे उसने स्कूटर पे अपनी तशरीफ टिकाई है, घर आया वॉशरूम में नल खोला, वो पानी गर्म आ रहा है, पानी गालियां दे रहा है, नहीं आऊंगा जाओ खड़ ले आवाज आ रही। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई, अस्सलाम वालेकुम उज़्बी भाई, वालेकुम सलाम भाई, और मुबारक हो भाई, कराची से तूफान टल गया माशाल्लाह। नहीं तो आप यकीन करेंगे मीडिया वालों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी, कराची तबाह हो जाएगा, तूफान इतना दूर है, तूफान ऐसे आ रहा है, लहर वहां उड़ रही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, तबाह हो गया भाई। न्यूज चैनल वालों ने तो डिप्रेशन में डाल दिया था वहां, ऐसा लगता था आप दरवाजा खोलोगे बाहर पानी खड़ा है, हालांकि उन्हें पता नहीं अंदर भी पानी खड़ा है। मतलब नालियां भर जाती है, पानी आ जाता है, नल खुला छोड़ जाते हैं, आपका पानी, बरकत भाई आपका पानी निकल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी पानी कैसे निकालते हैं? ये मैं पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पानी को एप्लीकेशन देता हूँ। देखिए बात पता है कि गर्मी की, आप ये गर्मी यहाँ क्या है गर्मी, आप ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। कोयटा में आप गर्मी देखिए, कोयटा में गर्मी का ये आलम है, कोयटा में गर्मी की वजह से एक ही खानदान के 7 अफराद अपनी नानी के घर चले गए क्योंकि वहाँ AC लगा हुआ था। जो AC आदमी को AC क्यों चलता है? नानी के AC किसने लगाया था? नाना ने लगाया था, नाना ने, नाना ठंडे हुए उसने रात को 1.5 टन का AC लिया, सुबह तोला तो 17 किलो का निकला। और मैं अपने दोस्त के घर के कूलिंग, बेहतरीन कूलिंग, ऐसी कूलिंग आदमी बोले यार मैं मरी में आ गया, पीछे जाकर देखा आउटर ही नहीं, बगैर आउटर के कूलिंग कर रहा है, पता चला वो उसने बर्फ बर्फ लगाई नहीं। ये तो फिर दोस्त का टैलेंट है ना, दोस्त का टैलेंट। अच्छा, आपका दोस्त जो है बगैर आउटर के कूलिंग करवा रहा है? बोलो 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 क्या बोलो। नहीं मैं आपको बताऊं ना, गर्मी ने लोगों का दिमाग खराब करा हुआ। मैं अपने दोस्त के घर गया, वो नहा रहा, मैंने कहा कैसा है बाहर आ गया, बोला ऐसा हूँ। मैंने कहा बेगरत आदमी कुछ पहन गया, चप्पले पहन के आ गया। यार मैं अभी नहा रहा हूँ, अभी क्या करूँ? तो ये आपका दोस्त क्या है, कहाँ रहता है? और यही रहता है, इन्हीं हालात में रहता है, और आप इन्हीं हालात में मिलने जाते हैं उससे? अच्छा आपको गर्मी की इंतहा देखो, आप गर्मी में एक चीज नोट करो, गर्मियों में ये जो पंखे होते हैं ना, ये बाकायदा चलते हुए आपको कोस रहे होते हैं, डिसेंट में गालियां दे रहे होते हैं, चलता रहा हूँ 28 दिन से चल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ महीने के एंड में तनख्वाह भी लूंगा, एक कमरे में 10-10 आदमी सो रहे हो, अब सबको क्या पर्सनल ले जाके मुंह पे हवा दूंगा, मुंह दरका थोड़ी सेवा ले, ऐसा नहीं हो सकता है, बाहर जाओ, बाहर की भी हवा लो, CV जाओ, सारा बटन मुझ पर ही डाला हुआ, ये पंखे की मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी गालियां दे रहे होते हैं। और पंखे घिरते क्यों है? क्यों चकरा के गिर रहे हो? चकर ठक करके गिर रहे, कितना चलेंगे यार? हमारी एक हीरोइन के ऊपर ना फैन गिर गया, तो उन्होंने एक वाकया बताया किसी और को ना, एक पुराने अंकल थे, फैन गिर गया, हाँ मतलब पंखा गिर गया, तो वो किसी और को वाकया बता रहे थे कि मेरे ऊपर भी एक दफा फैन गिर गया था, वो कहने के हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो ये इस तरह की बातें होती रहती हैं। अच्छा आजकल लेकिन 5 पर के भी पंखे आ गए। हाँ पांच पर के पंखे आपके घर में? अच्छा नहीं, एक बाप है, पांच पर के आ रहे, लेकिन ये एक पर पे चल रहा है, लेकिन उसमें भाई 5 पर के पंखे आप बहुत फारिक चल रहे, आपने नोट कर लिया? हाँ देख, अब बंदा क्या करे, बैठे हुए परी के अंदर टक टक। अच्छा लोगों की बातें होती, कुछ लोगों की बातें सुन लो ना यार, मैं कल सारी रात बिस्तर पे लेटा और मैं सोचता रहा कि हम चप्पल के बगैर तो चल सकते हैं, मगर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। लोगों का जहन ऐसा हो गया। लेकिन आजकल बहुत से लोग जो तकरीर कर रहे होते हैं ना, चप्पल बगैर चले उड़ती भी आती है उनके पास। हाँ और मैं आपको बता रहा हूँ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लोगों को देखो नफसियाती मरीज हो गए, लोगों मैंने देखा बीमार नहीं लेकिन बिना वजह ने बीमारी तारी कर ली है। और मेरे एक दोस्त मुझसे कह रहा है पिछले 2 महीने से बीमार हूँ, सारे टेस्ट करवा लिए, समझ नहीं आ रहा आखिर मुझे बीमारी क्या है। मैंने बोला तू एक काम कर, तू पोस्टमार्टम करवा ले।
अबे भाई बिना वजह की बीमारियां नहीं भी तो मैं यार टेंशन ले आप नोट करें बरकत भाई उसमें भाई कि यार ये सर्दी हो या गर्मी मोहब्बत कम नहीं हो रही। अच्छा चिपचिपाहट कम हो रही है ना मोहब्बत मोहब्बत अपने कैसी बात है है? बंदा मतलब ये कि चिपचिपाहट मतलब गर्मी में चिपचिपाहट होती नमी, है नमी हवा में नमी का तनासुब हवा में नमी होती है यहाँ ये समंदर की जो आप नमी की बात हाँ कराची में तो बहुत ज्यादा कराची में नमी कराची में जो है ना गर्मी में जिस्म चिपकता है आपस में ही मतलब ये कोनी यहाँ चिपक गई। मोहब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग है लड़कों का अलग है लड़कियों का अलग है। मैं लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ दिस द शेयरिंग ऑफ लड़कों का मोहब्बत लड़कों की मोहब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। एक लड़का कह रहा है कुछ लड़कियां कहती हैं मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ हालांकि जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक ही नहीं कर रही। हाँ मतलब ये कि कोई गिफ्ट दे दे घड़ी दे दे लड़का कैप पहनता गर्मी में वो दे दे कैसा क्लियर किया जिक्र। हाँ जी जिक्र आपने मोहब्बत में किसी को जान दी है आपने मोहब्बत में अच्छा अच्छा मोहब्बत की वजह से हमारी जान निकल गई है। लड़के जो है ना लड़के मोहब्बत को गलत वे में ले लेते हैं लड़की बेचारी सही वे में बात कर रही है लड़के उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं जू मायने में बात को आगे कन्वे कर देते हैं। अब एक छोटी सी बात है लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही मेरे सामने कोई झूठ बोलता है ना मैं फौरन पकड़ लेती हूँ। लड़का कह रहा अच्छा फिर तो मैं रोज झूठ बोलूंगा देखो झूठ पकड़ लेती है झूठ पकड़ लेती है। आप देखो गांव दिया तो आपने उसका नाम झूठ रखा। हाँ अब देखो गांव दिया तो की मोहब्बत अलग होती है। अरे वो तो बाग में वो तो बहुत अलग होती है। अच्छा केले के बाग में ज्यादा होती है टंडो आदम में। हाँ केले के बाग में क्या बड़े बाग केले, है। केले के बाग छुप के मोहब्बत करते हैं छुप के घने होते हैं ना और मोहब्बत नहीं आते उसमें जाते हुए तो बंदा दिखता है आते हुए नहीं दिखता है। हाँ। आप देखो मोहब्बत क्या होती है गांव दिया तो मोहब्बत में धोखा हो गया ना गांव में मोहब्बत में धोखा हो गया लड़के को। अच्छा? वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों मोहब्बत के दुश्मनों ने उसे वॉशिंग मशीन दिलवा दिया। बता रहा हूँ गाँव में बयान कर रहा है। आप देखो गाँव की मोहब्बत का जिक्र हो रहा है ना एक लड़का गाँव में उदास बैठा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर मार रहा था अचानक पानी में से एक मेंढक निकला वो कह रहा भाई वो इंसान का बच्चा बन तूने अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फाड़ दिया। शुगर मेंढक ही था। आप देखो मोहब्बत में क्या होता है जब लड़का लड़की की मोहब्बत की शुरुआत होती है उसमें जो जो चोंचली होते हैं ना जो बातें होती हैं आप बातें सुना बोलो कि लड़का लड़की दोनों नफसियाती है वो लड़का करे लड़की से अपनी फोटो तो भेजो मोहब्बत की शुरुआत है ना। मोहब्बत की शुरुआत है ना मोहब्बत की शुरुआत में बातें अजीब होती है वो लड़का लड़की से करे मोहब्बत की नई नई शुरुआत हुई लड़का लड़की से करे अपनी फोटो तो भेजो लड़की की लड़की करी मेरी प्रोफाइल में देख लो लड़का करे इसमें तो कार लड़की करी यहाँ तो दरवाजा खोलना मैं अंदर ही बैठी हूँ लड़का करे लड़की से शाद देखो मोहब्बत हो गई शुरुआत मोहब्बत की शुरुआत हो गई शादी की बातें भी हो गए लड़का लड़की से करे अपनी डीपी बदल लो साल हो गए लड़की की तुझे ना बदल लूं 2 साल हो गए ये होता है मोहब्बत में अब तो फौरन बदल लेती 2 साल में ज्यादा बता रहे हो फौरन बदल लेती। मैं ये कह रहा हूं कि बरकत भाई ये जो भी आपने गुफ्तगू की इसमें मैं समझता हूं कि जो मजलूम है वो लड़का है बेचारा क्यों कि देखिए ना अब लड़का बेचारा सुबह 9 बजे जॉब पे जा रहा है आए, आए, ये ऑफिस ये 9 to 5 वालों की क्या जिंदगी है। 9 बजे तो उसका ऑफिस लगता है जाता तो 7 बजे घर से। भैया 2 नौकरियां वो पहले कर चुका होता नौकरी पे जाने से पहले एक तो सुबह मुझे पता है आप 7 बजे तैयार हो ना यार मतलब बेकरियां खुलनी है इस टाइम सबको सलाम जो नौकरियां कर रहे हैं और फिर एक नौकरी क्या है ये ट्रैफिक क्रॉस करके जाना एक नौकरी है। बिल्कुल 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 कि पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले से बचना है पुलिस वाले से बचना है कि अभी रोकेगा नौकरी हां ये तीसरी नौकरी बेचारे वो व्हाइट शर्ट पहन के जाते हैं बगलों में निशान पड़ जाते हैं गर्मी की वजह से लोग उनकी कदर नहीं करते कहते हैं कदर नहीं करते। अब चौथी नौकरी वो है जो वहां जाके काम करना अच्छा पांचवी नौकरी वापस आना वो लेकिन वो पांचवी वापस आने वो छठी वाली फिर बेचारा कर नहीं पाता सो जाता आते अब देखो आप तो पता है हाँ सो जाता है बहुत अच्छी बात की आपने ये नौकरी करने वालों की बात कर रहे हैं वो जो ओवरटाइम लगाने के चक्कर में बैठी है वो क्या करे। अब देखो ऑफिसों में ये जो ये ऑफिसों में ये बॉसेस जो होते हैं आपको पता है ऑफिसों में ये बॉसेस जो होते हैं ये शादीशुदा आदमी को क्यों रोकते हैं क्यों क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। अब एक ऑफिस गोइंग बंदे का कहना है कि काश तनख्वाह भी महंगाई जैसी होती रोज सुबह उठो तो पता चले आज फिर बढ़ गई। ये कह रहा हूँ कि 2 छुट्टियां होनी चाहिए यार एक छुट्टी तो इसी में गुजर जाती है यार कल फिर जाना है 2 छुट्टियां होनी चाहिए प्राइवेट फर्म वालों की 2 होती है है ना ये हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है ना ये इनको रश से देखते हैं कि एक छुट्टी होती है ना और कुछ इदारे ऐसे हैं छुट्टियां ही नहीं होती के इलेक्ट्रिक बेचारों की छुट्टी नहीं है। अल्ला अल्ला। और कितनी वक्त की पाबंदी कोई के इलेक्ट्रिक वालों से सीखे ये लाइट बिल्कुल वक्त पे जा रही है यार कैसी बात है यार हमारा तो हमारा बंदा तो निक नहीं आती से काम कर हमारा तो घर वाले का हमारा तो लाइट ऐसे जाती है उस बंदे को जो लाइट बंद करता है ना उसके हाथ की यूं करीब है यूं भी नहीं करना पड़ता टक बंद करते मतलब आप उससे घड़ी मिला लें आपको पता होगा कि इस टाइम लाइट जाएगी है ना और उसके बाद ये हमारे मजदूर भाई ये जो पंचर लगा रहे हैं बेचारों की नजरें कमजोर हो गई पंचर लगा लगा के सुराख पानी में जाके नजर आ रहा है हाँ ना जैसे और जो सुराख में सुराख हो गया वो भी पानी में जाके नजर आ रहा है असल सुराख नजर नहीं आ रही लेकिन आज जो हमारी गाड़ी का टायर फटा है सबको नजर आ गया ये अच्छा ये इतना फटा देखिए हमारे मुल्क की प्रॉब्लम क्या आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि गुर्बत इतनी है हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि मुर्गी खरीद के खा नहीं सकते और जहालत इतनी है कि जाली बाबा को बकरा दे आते हैं
हालात की नजर में आपको बताऊं, हालात की नजर ये मेरी बात। एक अमेरिकन से पूछा गया, आप लोग अपने बच्चों को वीकेंड पर आउटिंग के लिए कहां ले जाते हैं? अमेरिकन ने कहा मोस्टली पार्क एंड बीच साइड। ब्रिटिश से पूछा गया आप लोग अपने बच्चों को कहां ले जाते हैं? वो साहब कहने लगे मोस्टली इन कॉन्सर्ट एंड थिएटर। पाकिस्तानी से पूछा गया आप लोग अपने बच्चों को कहां ले जाते हैं? वो साहब क्या कहते हैं? सीएनजी भरवाने, जनरेटर यूपीएस ठीक करवाने। हमारी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट जो है वो इन्हीं जगहों पर है, यही है, इन्हीं जगहों पर है। आप लाइन में खड़े हो जाए सीएनजी भरवाने के लिए, वही बातें होती है, वही दोस्तियां होती है, वही दोस्तियां होती है, रिश्ते तय हो जाते हैं सीएनजी स्टेशन। हां ना, गाड़ियों में से गाड़ी देखा इतनी लंबी लाइन होती है, रिश्ते हो जाते होंगे भाई। और मैं आपको कह रहा हूँ ना, और सबसे जो टफ नौकरी लगती है, क्योंकि आप अभी नौकरी की बात कर रहे हैं, ये बैंक वालों की यार, हाय 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 यार, मतलब जेब में कैशियर के 1000 रुपए, वो लाख लाख रुपए गिन के दे रहा दिन भर, है ना। और बड़ी टफ जॉब है, अगर उसमें से एक लोड भी कम हो वो अपनी जेब से डालना पड़ता है, वो अपनी जेब से डाला जाएगा। ऊपर से फिर लोग बेचारे वो लाइनों में लगे हो, तो एक कैशियर होता है उसमें गुस्सा करते हैं, जल्दी कर ले भाई भाड़ू, ये गालियां बैंक में, भाड़ू 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 ओए झाड़ू यार बोलते हैं, ओए झाड़ू जल्दी कर ले। उनको हार्ट अटैक भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो एसी में बैठे रहते हैं, वही बैठे रहने का काम है, बड़ा फोकस करने का काम है, उसमें खाना खाया फिर बैठ गए, और वो 8-8 बजे 9-9 बजे बैंक इतना पता है, फटे हुए नोटों पर टेप तो नहीं लगाते थे बैंक? मैं फटी हुई सारी चीजों पे टेप लगाता हूँ, आपने लगवाना है? मैं कितनी अच्छी फैमिली टॉकिंग कर रहा हूँ। नहीं यार, हम ये जब आपके वो टेप लग जाएगा फैमिली बन जाएगी भाई। ये मैं मजलूमियत ही तो बता रहा हूँ मर्द की, मर्द मजलूम है बेचारा, बहुत मर्द, मर्द ही मजलूम है ना, मर्द ही मजलूम। आप इस बात को माने, आप मान नहीं रहे मेरी बात। देखिए हमारे यहाँ, आप जो सही कह रहे हैं, आप हमारे यहाँ देखिए, मर्द जो है, मर्द है ही मजलूम। कैसे? हमारे यहाँ मर्दों ने कभी भी हुकूक नहीं मांगे, जब भी मांगा सेल नंबर मांगा, तस्वीर मांगी, उसके बाद एक और चीज मांगी, वो नहीं बता रहा, वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मांगता हूँ। नहीं देखिए, बात पता है क्या, देखिए मैं आपको एक तल्ख हकीकत बता रहा हूँ, तल्ख हकीकत आप इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा कहना बनता है। हम वही डिस्कस कर रहे थे पिछली बार में, हमने शो में डिस्कस किया कि बहुत सारे हकीकत तो ये आजकल बता, अजीब माहौल हुआ हुआ, क्या एक औरत का जवान बेटा मर गया, अब वो रोरी मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे ने दुनिया में देखा ही क्या था, पड़ोस से एक लड़की भागती हुई कह लेंगे आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैंने उसे सब कुछ दिखा दिया था। मतलब झील है, पार्क वो लेके गई थी उसे, आप समझ रहे हो, झील पार्क गोदाम गोदाम अच्छा गोदाम, ये तो देख के पता चलेगा हाँ। गोदाम कैसा था? देखिए बात पता है कि आप लोग ऐसी, मैं आई एम सॉरी टू से, आप लोग जो बात कर रहे हैं मेरे प्यार की नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं इस बात को एक डिसेंट वे में, आप बोले क्या कह रहे हैं, और इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर में जो बेचारे छोटे छोटे लड़के नौकरी कर रहे हैं, कुंवारे लड़के नौकरियां कर रहे हैं, सिंगल लड़के नौकरियां कर रहे हैं, और वो कोई गुब्बारे मांगने आ रहा है, यार उससे तो ना मांगो, उसकी दिल आजारी हो रही है, उसके सामने मांग ले, और छोटे लड़कों से बिल्कुल नहीं मांगो, वो अपने साइज का देगा। हाँ ये भी एक मसला है, मतलब यार, और टैबलेट मांग लेते हैं यार, उल्टी सीधी टैबलेट मांग लेते हैं यार, मछली प्लस मछली प्लस। ये मैं कभी मेडिकल स्टोर में नौकरी की है आपने? ये पोस्टर लगे होते ना कभी मेडिकल स्टोर में, अंदर जैन जो है ना, वो जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है लिखा, वो पढ़ने में निकल जाता है, वो भी बेचारे आगे कुछ नहीं कर पाते। नहीं कुछ, अच्छा बात पता है कि हम एक बात डिस्कस कर रहे थे, हम पहले भी कर रहे थे, कि बहुत सी हमने पहले भी डिस्कस की थी कि मर्द हजरत जो है वो दूसरी औरत के करीब जाने के लिए अपनी अपनी बीवियों की बुराई करते हैं, उस लड़की के करीब चले। इसका मुझसे पूछो, इसकी बीवी इसको कह रही है कौन सा कानून है कि तुम्हें खाना भी मैं ही बना कर दूं, ये क्या कह रहा है? कह रहे दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना हुकूमती फराम करती है। ये बीवी से पूछ रहा है तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? इसकी बीवी क्या करी, चटनी पीसते वक्त मैं आपको ध्यान में रखती हूँ ना, आए हाय। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। एक बीवी करी, शौहर से मैं 7 साल से पहन रही हूँ और अभी तक मुझे तंग नहीं हुई, और आप मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हो। शौहर कह रहा बेगम खुदा का खौफ करो, ये शॉल है। छोटी बातों पे झगड़ा होता है यार, इसका क्या है, क्या कहेंगे? नहीं इसका कुछ नहीं कहेंगे, इसका तो है भाई शॉल ओढ़ो निकल जाओ। अब देखो मैं आपको एक तल्ख हकीकत बताऊं, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे शायद, क्योंकि आप लोग दोनों शादीशुदा है। शौहर ने मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारे यहां औरतें जुल्म सह रही है। अब छोटी सी सह रही है, मर्द भी सह रहा है, मर्द भी सह रहा है, बात नहीं है यार। गरम स्कूटर पर बैठ के वो भी ऑफिस जाता है। वाह वाह, देखो गरम, आप देखो यार बेचारा, वो धूप में स्कूटर खड़ी हुई है, वो तपा हुआ ऑफिस से निकला, और जैसे उसने स्कूटर पे अपनी तशरीफ टिकाई है, सर वो दुख आपको क्या पता। घर आया, क्या क्या आवाजें आती हैं, क्या क्या आवाजें आती हैं, और घर आया वॉशरूम में नल खोला, वो पानी गर्म आ रहा है, पानी गालियां दे रहा, नहीं आऊंगा जाग वो खड़ ले, आवाजें आ रही अंदर, सही कर रहे हैं। शुरू में काफी गर्म पानी आता है, आप तो शुरू में एंजॉय करते हैं ना, गर्म पानी से उसने धोया, अब हालात तो खराब ही थे, हालात भी खराब हो गए, गीजर खराब, वो गीजर में दंग लग जाता है, घर के हालात, जनरेटर खराब है, लाइट नहीं आ रही,
लाइट नहीं। देखो पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया और इसे चला कौन रहा है? कौन? जनरेटर यूपीएस। आप ये देखो, मैं आपको देखो, मैं आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात नहीं, आप वो बात कर रहे थे। मैं देखिए, मैं बात ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ आप सही कह रहे हैं, मर्द भी जुल्म सह रहा है, औरतें भी जुल्म सह रही है, औरतें घरों में जुल्म सह रही हैं, बरसों से सह रही हैं। मैं आपको एक तल्ख हकीकत बता रहा हूँ, आप दोनों शादीशुदा आदमी हैं, इस बात से एग्री करेंगे। देखिए, शौहर ने बीवी को थप्पड़ मारा, तलाक की धमकी दी, एक गाली दी, बीवी ने अपने बूढ़े माँ बाप का सोचा और सह गई। फिर कुछ अरसे बाद शौहर ने बीवी को थप्पड़ मारा, तलाक की धमकी दी, एक गाली दी, बीवी ने अपनी गोद में बच्चे की तरफ देखा और फिर सह गई। हाय 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 हाय, वाह। और उसके बाद, उसके बाद दो बच्चे और हुए उसके, फिर सह गई, फिर सह गई, सह रही है, क्या करें? हाँ। मैं क्या बताऊं, मैं आपको देखो भाई क्या करें, बताओ। ये बस कॉमेडी कर रहे हैं। वाह वाह यार, ये आपने मामला बैलेंस कर दिया कि मर्द भी सह रहा है, कहीं ना कहीं औरत भी सह रही है। देखिए बात, पता है क्या बात, वही है ना, वो मैंने कही थी बात कि हमारे दो कौमी नजरिया क्या होता है, क्या क्या, अगर बेटी बीमार हो तो दुख होता है और बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। हाय 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 हाय, इतनी बारीक बात की है यार आपकी। छुप के शादी तो नहीं की हुई आपने? नहीं, शादी की है, इन्होंने शादी देखी बहुत है, है यार ये, है ना, क्योंकि जब भी मैं इसको बुला दूं ना, सेकंड फ्लोर से कोई 15 मिनट में नीचे आता है, सबकी देखता हुआ आता है, सबकी शादियां देखता है यार। माशाल्लाह बहुत गहराई से बात कर रहे हैं, और ये बात वही बंदा कर सकता है जो शादीशुदा हो। मैं गुमशुदा हूं। नहीं, ये शादी इसीलिए तो नहीं कर रहा ना, इसको पहले इतना पता चल गया, अब क्या करेगा, अब करके करेंगे क्या आप शादी? देखिए बात पता है कि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, ये बात सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। कहते हैं कि मर्द जो है वो सिर्फ अपनी मन पसंद औरत से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाता है। बिल्कुल बिल्कुल यार, बहुत। और इसकी टाइमिंग क्या होती है? ये टाइमिंग तो मुझे नहीं पता, ये पूछ के बताऊंगा जिस वक्त ये धज्जियां उड़वाने की टाइमिंग क्या होती है, मतलब रात के टाइम, दिन के टाइम। और ये आपने आशिकों की बात बोली है, क्योंकि बिजनेसमैन भी हो ना बहुत बड़ा, और उसे प्यार हो जाए लड़की से, आम सी लड़की हो, ओहो उसको खास कर देती है, काम वाम छोड़ के भाग रहा होता है। तो अभी आप कह, अभी ये कह रहे थे कि औरत मजलूम है, अब ये मर्द मजलूम हो गया। नहीं, हमने हमने साइड बदल ली। नहीं, वो मैंने फिल्म अभी आपने बात की ना, मोहब्बत में आदमी पागल हो जाता है, चाहे जितना बड़ा भी बिजनेसमैन हो। अब हमने कोई फिल्म देखी थी, वो इतना बड़ा किंग कॉन्ग था, है वो इतनी सी लड़की कुत्ते की तरह इलाकों में घूम रहा था उसके लिए। यार उसका नहीं समझ में नहीं, उन दोनों का प्यार समझ में नहीं। अगर उन दोनों का प्यार हो भी गया, अबे तू करेगा क्या? ये बंदा 50 फुट का किंग कॉन्ग और उसके सामने वो जो है वो 4 फुट की, नहीं समझ आ रहा क्या होगा यार। एक सेकंड बोला कि शादी हो गई, लेकिन किंग कॉन्ग की समझ में तो आ रहा है। वो तो माहौल बना रहा है, हाथ पे लेके घूम रहा है, यहाँ बिठा के घूम रहा है। नहीं, मतलब भाई अगर उनकी शादी हो भी जाती तो क्या फ्यूचर था उनका? नहीं, तो कोई फ्यूचर नहीं था, वो देखते रहते एक दूसरे को। वो लड़की कहती देखो आपका फड्डा होता करवट पे, नहीं करवट पे, करवट का तो काम ही नहीं होता, करीब आता उसकी सांस बंद हो जाती है। चलो देखो एंजॉय करो एक दूसरे को, मैं अपना माहौल बनाऊंगी, तुम अपना बंदरिया के साथ। मतलब इससे जाहिर होता है कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है, प्यार अंधा दोनों होता है, और प्यार हिम्मत वाला भी होता है, हिम्मत वाला होता है। लेकिन वो लड़की मान गई थी मेरे ख्याल उसमें। हाँ लड़की, अभी उसका पार्ट टू आया है, पार्ट टू आया है, पार्ट थ्री में मानेगी, उसमें वो भालू फिर भाग गया। अच्छा कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन आज के दौर में प्यार जो है वो गंदा होता है। यार अगर प्यार अंधा होता है तो मुझसे आज तक टकराया क्यों नहीं? हाय 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 हाय। अच्छा कभी ऐसा हुआ अहमद साहब, किसी खातून को आपने कहा फासला रखे मोहतरमा, फिर आप ही को नंबर देने में मौत आएगी? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। नहीं अच्छा, लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। एक लड़की के लिए मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो एसी की तरह हो, बाहर से गर्म घर में ठंडा, दीवार से लगा हुआ, रिमोट से चलने वाला। अरे कब पॉइंट पे वो लड़की गरीब, लेकिन बाहर से गर्म और अंदर से ठंडा, तो फिर फायदा क्या? मतलब ये तो आप असल तो बाहर से अंदर से गर्म। आप लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, मैं इसमें अपना अपना नहीं, आपने एक बात की है इसको क्लियर कर। अच्छा एक बात आप मान लें कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। हां बाहर से गर्म अंदर से ठंडा। अच्छा ये लो आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये एडिटर का काम बढ़ा रहे हैं। नहीं एडिटर का नहीं, देखो शो की ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, ड्यूरेशन। और अब देखो हम मजलूम मर्दों की बात कर रहे थे, जो बेचारा 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसकी लाइफ क्या है, हम उस पे जो है रोशनी डाल लेते। तो आप मुझे बताएं। अच्छा बहुत से बेचारे बैंक से निकल, जैसे आपने बैंक की जॉब की बात की, उसके बाद भी आगे जॉब करते पार्ट टाइम करते। हाँ पार्ट टाइम, एक तनख्वाह में गुजारा नहीं, एक तनख्वाह में गुजारा नहीं है सर। समझ लें कि एक नौकरी घर के किराए के लिए हो रही है, और एक नौकरी गैस बत्ती के बिल के लिए हो रही है, बीबी के बिल के हो रही है, बच्चों के पैंपर के लिए हो रही है, तो ये चल रहा है। अब टेलर, अब वो बंदा घर वाले घर को कैसे टाइम देगा यार? सही बात, सही बात। उसके बावजूद भी लेकिन साथ साथ 8-8 बच्चे, ये टैलेंट है। हाँ ये टैलेंट है। हाँ कि देखो उसे, उसके लिए टाइम, हम जो ओवर टाइम की बात कर रहे थे वो यहाँ आ गई है बात। टाइम तो निकालना है ना वो। देखिए ना अब टेलर की नौकरी कितनी मुश्किल है। अब एक टेलर ने एक लड़की से पूछा कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, वो कह रही आईफोन। बोला तो फिर ठीक है, मैं जेब नहीं लगाता, मोबाइल तो तुम हाथ में ही रखोगी। ओ
आप कभी टेलर ने आपका साइज नाप लिया और उसके बाद आपने कहा यार मैं दोबारा लो, मुझे तो अच्छा लगा। आपने टेलर को नाप दिया फिर आपने बोला मैं तुम्हारा नाप लूंगा। एक बार हुआ था कि बंदे ने मेरी मालिश की, थक गया, ढाई घंटे उसने मालिश की, साढ़े चार घंटे मैंने उसकी मालिश की, वो मैंने हिसाब बराबर कर दिया, ऐसा हुआ है, बाकी ऐसा कुछ सिस्टम हुआ नहीं। तो उसने कुछ पैसे देके गए वो? नहीं नहीं, वो मैं उसने भी माफ की, मैंने भी माफ की। दो घंटे का फर्क आ गया ना, वो फिर आपको घंटे घंटे का फर्क पता है। दो घंटे आपने ज्यादा की ना। हाँ वो मैं छोड़ो, ऐसा बरास की बात है। अच्छा जॉब से तंग आके, अच्छा लोग मालिशें भी करवाते हैं जॉब से आते वक्त, मैंने देखा आप तो फुटपाथ में जो बीच में दोनों रोडों के बीच में जो फुटपाथ है वहाँ लोगों ने पूरा मालिश का पूरा बुफे लगा लिया, बुफे बना लिया। अब देखे ना, जॉब से तंग आके मैंने बोला यार ये क्रिप्टो का आजकल बड़ा चल रहा है, इस पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया तो बाद में पता चला कि जिसका मैंने ग्रुप ज्वाइन किया ना उसका खुद नुकसान हुआ था, नुकसान कवर करने के लिए उसने ग्रुप बनाया था। ये कैसे चीटर लोग हैं यार, चीटर नहीं है, अकलमंदी है यार। अकल, अरे तो हमारे साथ तो चीटिंग कर गया ना। लेकिन आपकी बेवकूफी है ना कि आप उसके उसके यार मैं तो वीडियोस देख रहा हूँ ना, क्रिप्टो ने इतने कमा लिए, इतने कमा लिए। अबे हमने बोला हम भी लगाते हैं उस्ताद, ग्रुप में पढ़ते हैं, वो पढ़ा तो अभी कहानी है क्या क्रिप्टो की? क्या हर बंदे के मुंह पे किसी को फायदा भी होते हुए देखा नहीं? यार भाई लोग लखपति हो गए, करोड़पति हो गए क्रिप्टो करेंसी से। आपने इस्तेमाल की? मैं तो देखा है, सब सुनता ही हूं। आपके पास क्या बंगाली पैसे, क्या है आपके पास? मैं तो कुछ नहीं है, मैं तो पैसे थे वो चिलर है बस, वो मैं मारता हूं। अच्छा ये बात सच है कि पैसे अगर कार्ड से खर्च हो जाए ना तो इतने पता नहीं लगता, नहीं होता जेब में कैश खत्म हो जाए ना बंदा पागल है क्या। और ऐसे अगर आते हुए अगर चेक आएगा ना आपको इतनी खुशी नहीं होगी जितना कैश आता, जितना कैश आएगा। अब आप बोलेंगे ना यार ये 10,000 रुपए खाने का बिल बन गया है, आप बोलोगे ना कार्ड से चार्ज कर ले, अगर आप बोलेंगे 10,000 रुपए बिल बन गया कैश दो, आप बोलोगे अबे भाई क्या हो गया गड्डी जा रही है ना। और कुछ लोग घर में भी कैश नहीं रखते, जेब में तो नहीं घर में भी नहीं रखते। वो मेरा एक दोस्त उसके घर डाकू घुस गए, तिजोरी खोल के देखे अंदर वो बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम मैं यहाँ होता हूँ, पैसे बैंक में होते हैं। भाई ये क्या है, कुछ लोगों का होता है तरीके से खेलते हैं, तरीके से खेलते हैं भाई। लेकिन ये तरीका सही है मेरा ख्याल है ना। अच्छा आप एटीएम लगाएं रात को 10 बजे के बाद, हालात इतने खराब हैं, आप एटीएम लगाएं रात को 10 बजे के बाद, ऐसा लगता है इंडिया से कारगिल ले रहे हैं। हाँ भाई न, आप डरते हो, डकैत ना हो है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग एटीएम में अंदर घुसते हैं वापस ही नहीं आते। अबे अबे भाई मैंने क्या, एसी की वजह से। हाँ ना, मैंने बोला बेटा क्या गेम स्टार्ट कर लिया, मैंने जीटीए खेल रहा है अंदर उसके। इतना टाइम लगा देते हैं यार, और ये खवातीन बहुत टाइम लगाती है एटीएम में। दो या तीन होती है जो अंदर जाती है एटीएम में, 10-15 मिनट बाद। अच्छा 1,000 उसको देने, 500 उसको देने, रिक्शा का कह रहा तुम अपना दोगी, मैं अपना दोगी, ठीक है। कमेटी के अलग देने, वही डिस्कशन हो रही है, वही डिस्कशन हो रही है, बार बोल लाइन लग जाती है मर्दों की। अच्छा कुछ मर्द गरम भी होती है, एटीएम में गया अब बंदे ने बजा दिया, आ जाओ भाई, वो खोलता है, ओए मेरा क्या शौक है अंदर खड़ा होने का, कुत्ते के बच्चे मैं भी मार रहा हूँ ना एटीएम, मशीन लेट चल रही है तो मैं क्या करूँ। ये दिमाग घुमा हुआ होता है यार, अरे भाई बड़े उलझे में भाई, लोग तपे हुए यार, लोग तपे हुए यार। लेकिन एटीएम का अपना मजा है, अपना मजा है, सही बात है। एटीएम के मायने क्या है? एटीएम एनी टाइम मर्डर, पैसों का भी अल्लाह ना करे, डाकू आ गए तो बंदे का भी हो जाए, अल्लाह ना करे। हां सही है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ए हो गया ना, टी आ गया, ट्रांसफर, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, मशीन ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ये सही है, पीछे से कोई बोल रहा है यार, बता ले जरा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर 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 कौन सा क्या मतलब, क्या सी कोई सी के दे रहा क्या पैसे टेलर, ये इंग्लिश के कुछ वर्ड अजीब होते हैं यार। समंदर के किनारे को क्या कहते हैं, समंदर के किनारे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, साहिल, बीच कहते हैं ना, बीच, साहिल, साहिल पे नहीं, बीवी का देखो जैसे बीवी का होता है ना, बी आई डब्ल्यू आई ये होता है ना, तो इसका वैसा ही होता है, बी वी, बी और वी, तो इसका मतलब क्या है, ब्रेन वायरस। अच्छा आप देखिए इंग्लिश में कुछ वर्ड बिल्कुल अनशन है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, वो एक वोकैबुलरी है, वो कहते हैं साइड किक्स, साइड किक्स। अब आप बोलेंगे यार पता नहीं क्या मतलब है, इसका मतलब है बचपन का गहरा दोस्त। और कुछ सवाल भी बड़े अच्छा नहीं ना, जैसे आप हेयर ड्रेसर के पास जाएं, वो आपसे छोटे के बाल छोटे कर दूंगा, तू बड़े कर सकता है क्यों बोल रहे छोटे कर दो, अच्छी बात, और बिना वजह रिक्शा वाले को, एक बंदा रिक्शा वाले को बोल जाके, रिक्शा वाले के पास जाके कर यार वो स्टेशन जाना है, उसे कहा भाई 800 रुपए, कह रहा यार यही तो है, कर हाथ पीछे कर ट्रेन में आ जाएंगे, यही तो है, इतना तो बता रहा है, यही तो है। अच्छा लोग तपे हुए, इसका मतलब लोग तपे हुए, लोग तपे हुए गर्मी से, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग जो है ना वो एड्रेस गलत बताते हैं, अच्छा आराम से ऐसी बताएंगे यूं करके यहाँ से यूं मुड़ जाओ, यूं वो होता ही नहीं है, हाँ बिला वजह का एड्रेस बता रहे होते हैं, वो कहते राइट से सीधे हाथ पे हो जाओ, राइट से सीधे हाथ पे, राइट से सीधे हाथ पे कैसे हो,
तो ये हर आदमी तपा हुआ है यार। लेकिन हमारे कराची में तो अलग ही एड्रेस बताने का तरीका ना, कि इश्तिहारात से बताते हैं, दीवारों पे जो इश्तिहार लिखे होते हैं, है ना। और वो पता है कैसे एड्रेस बताते हैं? कुछ लोग तो ना, अब आप गाड़ी में अब आप पूछ रहे यार ये एड्रेस बताना, यहाँ पे बाइक वाला होगा ना, अच्छा एड्रेस नहीं बताएगा, बोलेगा मेरे पीछे आओ। अबे तू एड्रेस, तू अच्छा उसके जा रहे यार, फिर रुकेगा पान लेगा अपने लिए, कह रहा पान ले रहा हूं अभी आएगा आएगा। नहीं आप ये सही करो, ये आप ना ये जो आप ये बात कर रहे हो ना कि पीछे लग गया, आप हमारे एक दोस्त उसको पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले किधर, कह रहा घर, कहाँ है घर, कल यहाँ से सीधा जाओगे, हाँ, उल्टे हाथ में मुड़े, हाँ, पान का केक बनाएगा, छोड़ दो, छोड़ दिया, आगे जाओ, फिर सीधे हाथ पे लो, एक छोटा सा बाग आएगा, वो छोड़ो, छोड़ दिया, फिर सीधा जाओ, उल्टे हाथ पे एक छोटा सा एक कट आएगा, वो छोड़ो, छोड़ दिया, वो कह रहा सब छोड़ो, मुझे नहीं छोड़ो, अबे भाई छोड़ भाई, नहीं छोड़। बहुत से लोगों ने बिला एड्रेस बताने का शौक होता है, हाँ, शौक बिला वजह एड्रेस बताते हैं, बिला वजह एड्रेस बताते, बिला भाई यहाँ से लेफ्ट लो, फिर राइट लो, और बंदा घूम के वहीं आ जाता है उसके पास। और कुछ लोग बैठे इसलिए होते हैं कोने खांचों पे, कोई एड्रेस पूछ ले, है ना, और पता नहीं क्या समझते हैं आप, एड्रेस बता के ना, हाँ, वो बॉसों ने बैठक बनाई हुई होती है ना, चबूतरों पे बैठे होते हैं, वो एड्रेस बता रहे होते हैं, रुक रुक के ही बता रहे होते हैं, रुक रुक के बता रहे होते हैं, बता रहे हैं। अच्छा कुछ लोग ये होते हैं, अचानक जो हादसा होता है ना, पता क्या होता है, आपने किसी से एड्रेस पूछ लिया, पैदल चल रहा है वो बंदा आप गाड़ी में, यार ये एड्रेस आप बताएंगे, एक काम करो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठ जाता है क्या, बहुत से लोग तो गलत फहमी का शिकार था। एक बंदा बंदे हमारे दोस्त को पर्ची दिखा रहा है, वो कह रहा है यार पहले पर्ची पे दिखा के मांगते थे ना, कि भाई गूंगा हूं, बोली सर पढ़ ले अभी भी होता राशन अभी, तो पर्ची दिखा के, उसने पर्ची दिखा कर माफ करो, कह रहा क्या माफ करो भाई, एड्रेस पूछ रहा हूँ क्या लिखा हुआ पढ़, ये भी होता है। और बच्चे आपको ना, बच्चे उलझाएंगे, बच्चे उलझाते हैं, छोटे बच्चों से एड्रेस पूछ लो, अंकल मैं आपको बताया सीधा है ना, उल्लू बना दिया, फिर बच्चे इतने ज़हीन है, मैं बच्चों की आपको ज़हानत बता रहा हूँ, आप बच्चे देखो, आप देखो बच्चे देखो, वो छोटा बच्चा कह रहा है, अम्मी जब बीमार होती है तो कहती है मौसम चेंज हो रहा है, और जब हम बीमार होते हैं तो अम्मी कहती है और पियो ठंडा। आप देखो, मैं बच्चों की ज़हानत बता रहा हूँ, आप देखो बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा, बताओ इस जानवर का नाम क्या, बच्चा कह रहा है पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है, टीचर के नॉलेज बदतमीज खड़े हो जाओ तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, बच्चा कह रहा है मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या, कैसे बच्चों के बच्चों से, छोटे बच्चे से पूछा मैंने, बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है, कह रहा अब्बू, मैंने कहा वो कैसे, कह रहा वो अभी भी अम्मी के साथ ही सोते हैं, ये तो बच्चे हैं। अच्छा ये सच बात है, कुत्ते के बच्चे, बच्चे बच्चों को अलग सुला के, अरे भाई घर में ना, घर, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये बात अगर मेरी पहुंच सके और मैं अगर बोल सकूं इस बात को, बच्चे कुछ बच्चे जो है ना, वो क्या होता है कि घर में रश होता है तो माँ बाप खुलकर रोमांस नहीं कर पाते, मियां बीवी नहीं कर पाते, कि बच्चे घर में इतने रश लगा हुआ है तो वो कहते चलो क्या करें, फिर वो जगहें बाहर यहाँ वहाँ वहाँ, खाला मम्मू फूफा के घर। तो भाई मैं ये कह रहा था एड्रेस आपको सही नहीं बता रहा, उल्टे सीधे लोग आपकी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। अब वो एक बंदा बोला ना यार, मैंने पूछा एड्रेस कहाँ है, उसने बोला यार मैं भी वहीं जा रहा हूँ आपके साथ बैठ जाता हूँ। अब किसका क्या पता, किस मायने का आदमी, और थोड़ा आगे गए, मैंने थोड़ी देर बाद नोट करा गाड़ी मैं चला रहा हूँ, घेर वो लगा रहा है, हैं ओ अच्छा, तो मैंने ऑटोमेटिक दे दिया, और आपने फिर घेर लगाने दिए उसको, नहीं मैंने दो घेर के बाद मैंने रोक लिया, आपने अपना स्टीयरिंग दे दिया उखाड़ के, ये तू ले लगा, दो घेर के बाद मैंने रोक लिया, मतलब आपकी कैपेसिटी जो थी वो दो घेर तक की थी, दो घेर बाद मैंने रोक लिया, नहीं उसको रोका या अपने आपको, नहीं नहीं घेर लगाने से मैंने उसको रोक लिया, अबे मैंने बोला मेरी स्पीड ना बढ़ जाए, हाँ मैंने दरअसल उसको गाड़ी चलाने का शौक था, वो मेरे पास गाड़ी है नहीं तो मैं आपकी गाड़ी में घेर लगा रहा हूँ, तो फिर मैंने उसको उतारा, अच्छा हाँ वो उतर गया, हाँ वो उतर गया, घेर लगा रहा, हाँ आप बाइक पे लिफ्ट लेते हुए डरते हो यार, हाँ अरे अरे बाइक पे अजीब अजीब लोग मिलते हैं भाई, और कहते यार ये यार, अच्छा मुझे एक बंदा बाइक पे लिफ्ट दे रहा है, वो कह रहा है सच्चा वाक्य बता रहा हूँ, बाइक पे बंदा ना, मैं कैसे किसी के लिए खड़ा हुआ था, मैं चिंजी का इंतजार करता, मैं जॉब करता था, तो मैं बैठ गया बाइक वगैरह, बैठो बेटा मैं आगे छोड़ दूँ, मैं बैठ गया, अच्छा थोड़ी देर बाद बोल रहा है कि बेटा खुद बेटा मेरे, मैं मजदूर हूँ, कमर में मेरी बड़ा दर्द है, तो बेटा ये देखना जरा ना यहाँ कमर खुजा दो, अच्छा यार मैंने कमर खुजा दी, बोला बेटा ये थोड़ा नीचे, और यूं करके ना हाथ अचानक मेरा यूं पकड़ के सीने पे रख दिया आपने, वाह 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 वाह, है ना, आप सीना नरम 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 था, आप उसे सीना बोलते हो, मैंने था वो जॉन सीना, नहीं वो शत्रुघ्न सिन्हा था, उसको मैंने बोला यार इंसान का बच्चा बन, आदत नहीं तलवार, बाइक लगाया में उतरा, तो ये आपने उसका फोन नंबर लिया कि भाई आइंदा भी ऐसे आइंदा मैं अपने दूसरे दोस्तों को नंबर दे दूंगा, तो ये कि आप लिफ्ट ले हाँ, तो बड़ा देख कर लिफ्ट ले, कोई भी शॉप लिफ्ट ले, पिलपिला हो सकता है, आप लिफ्ट ले, रिस्क ना ले, रिस्क ना ले भाई, और इतना चिपक के बैठते हैं आजकल के लोग, रोमांस का चालान कट जाए, वाह 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 वाह, करीब बैठे में यार, बीच में से हवा नहीं जाने दे रहे, हाँ इतना करीब चिपक के बैठे में,
अच्छा ये बरकत भाई उसमें भाई ये बताएं कि कारसाज पे कभी मोटरसाइकिल चलाने का इत्तेफाक हुआ है? क्योंकि वह चुड़ैल है। सुना? हाँ यार कारसाज की सुना बहुत है। आप लोग के कोई ऐसा हुआ है रात को लाल साड़ी में बंदी दिखी है? नहीं नहीं हम तो कारसाज से बहुत गुजरते हैं, हमें तो कोई नहीं, हम तो इंतजार कर रहे होते और हम 2:30-3 बजे के दरमियान जब शो से आ रहे होते ना बहुत ज्यादा गुजरे वहां से। नहीं हमें अल्लाह का कभी दिखे नहीं, दीवार पे बैठती है वहां पर आना और दीवार पे वो सीखे निकली हुई है। चुड़ैल का अलग माइंड। तो ये लोग डरा रहे। अच्छा घर में अकेले में डर लगता है आप दोनों को? अच्छा लेकिन मैंने वो कारसाज का जो चुड़ैल का जो ना किसी ने बताया था कि यार कोई दुल्हन थी, हाँ उसकी बारात आनी थी, वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और दूल्हा मर गया। आए, आए। तो वो बिचारी जो है ना वो दुल्हन के कपड़े पहन के रात को बाहर निकल जाती थी, है ना? मरीज तो राम गोपाल चुड़ैल थी, फिल्म चुड़ैल थी। हकीकत वाकया है, ये हकीकी वाकया है यहाँ पर, हकीकी वाकया है कारसाज की चुड़ैल का जो वाकया। अच्छा लेकिन है सबको पता, ये बात सबको पता, लेकिन अब वो चुड़ैल है ये तो हकीकत नहीं है ना। ये नहीं पता मुझे यार, जब देखेंगे तो पता चलेगा, है ना? देखेंगे उसका क्या मूड है, हमारा क्या है। कभी आपने ख्वाहिश की यार वो हमारे सामने तो आया? इनकी तो ख्वाहिश बहुत ऊपर की है, अभी चुड़ैल की पूछना पड़ेगी उसकी क्या ख्वाहिश है। तो मैं कह रहा हूँ यार मतलब मर्द मजलूम है, है? अच्छा बरकत भाई मैंने सुना है कि आप नहीं औरत मजलूम भी, औरत मजलूम, औरत भी मजलूम है, दोनों एक एक लेवल पे दोनों मजलूम, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। एक को एक एक ये समझ ले, एक दिन में मजलूम है एक रात में मजलूम है, ऐसा कर ले यार मतलब उसमें भाई। अच्छा कुछ लोगों को, कुछ शौहरों को मैंने देखा, अगर सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अपनी बीवी को अजियत दे दे के पागल कर देते हैं, फिर कहते हैं यार मेरा ऐसी ज़हनी मरीज़ा के साथ गुजारा नहीं है। हाय 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 हाय, वो ज़हनी मरीज़ होते हैं, जब भी तो करते हैं यार, मरीज़ होते हैं यार, साइको होते हैं, साइको होते हैं। अच्छा बरकत भाई मैंने अभी उसमें भाई ने मुझसे डिस्कस किया था कि यार आपकी कमर में दर्द है, ये कमर के दर्द का आपने घुटनों की तरफ इशारा क्यों किया? नहीं वो डिवाइड होता है ना दर्द, मतलब मेहनत घुटनों पे करते हैं दर्द कमर में होता है, ये कहना चाह रहे हैं? कमर में होता है। उसके लिए एक तोहफा है। क्या है? क्या है आपके लिए मेरे पास? हाँ ये देखिए जी, ये है chiltanpure.com का बॉक्स, ठीक है? ये बॉक्स है, इनाम भी है, परेशान नहीं होना। अच्छा अच्छा इसके अंदर अलग है, और ये है जी chiltanpure.com का पेन रिलीफ ऑयल। वाह वाह रिलीफ ऑयल बड़ा अच्छा है, है ना? ना रिलीफ ऑयल, ये मेरा काम है ना, ये कैच करें, ये इससे बाल भी आ जाएंगे? नहीं नहीं इससे पुराने बाल, पेन रिलीफ है, पेन रिलीफ है। अच्छा पेन रिलीफ है तो ये मुझे पेन है ना, मेरे बाल नहीं है। नहीं भाभी के चप्पल पड़ेंगे इसे, ये लगाएगा तो पेन हट जाएगा। ये जिंदगी के दुखे का तेल नहीं है, ये कमर के दर्द का तेल यार। ये मैं आप ये ले जाऊंगा, मैं ये आपने ले जाना है, ये चिल्तन प्योर। अच्छा लगाएंगे क्या? खुद कैसे लगाएंगे? मैं लगा लूंगा, मैं बंदा रखा हुआ एक। वाह 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 भाई, ये सारी जो मर्दों की जो नौकरियां सारी डिस्कस हो गई। अच्छा मीडिया की भी बात कर लेते हैं कुछ। ये सहाफी है बेचारे, ये जो जाके रिपोर्टिंग करते हैं। अभी हाल ही में एक बदतमीजी हुई एक सहाफी के साथ, वो बेचारा छुट्टियां थी उसकी ना, लंबे बाल थे उसने बांधे हुए थे रबड़ बैंड से छुट्टियां, तो बेचारा सहाफत कर रहा है, मैं वीडियो भी लगा देता हूँ, उसकी किसी ने छुट्टियां खींच ली यार पीछे से वो अचानक। और एक मैंने देखा था किसी मतलब सखर में, पता नहीं कहां था, वो बता रहा है कुछ ना किसी के बारे में, तो पीछे से बंदा आया उसके रख के थप्पड़ दिया, वो वीडियो मैंने देखा था यार। ये कौन सा तरीका है यार, कौन सा तरीका है यार, मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड में है ना किसी के यार, ऐसा ना हो। देखो यार हम जो जैसे हम प्रोग्राम में मजाक करते हैं, झुकते मारते हैं या जो भी पिटे, तो हम अंडरस्टूड होता है कि भाई ये करेंगे हंसाने के लिए करते हैं, हंसाने के लिए करेंगे, दिल आजारी के लिए। रियल में तो ना करो, रियल में तो आप नहीं करो ना, किसी की आप बदुआ ले रहे हो यार। बात पता क्या, हम अक्सर ये कहते हैं कि इतनी सिमट है आजकल के शहरों की हवाओं में, कब दिल पत्थर का हो गया पता ही नहीं चला। हाय 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 हाय, पत्थर दिल हो गए लोग यार, एक का एहसास ही मर गया है। इतना पहले एहसास होता है, वो जो एहसास जो होता है वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन अमूमन आपको 80-90% आपको एक दूसरे की नेगेटिविटी, आपको जेलेसी, आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी, आप बोलोगे उलझ जाओगे यार आप। सही बात है, एहसास मर गया है, एहसास मर गया है। तो भाई एहसास को जिंदा करें, और क्या मुश्किलें हैं, मैं मानता हूं मुश्किलें हैं, वो कहते हैं ना कि आप सजदे लंबे कर दो मुश्किलें छोटी हो जाएंगी, आप सजदे लंबे कर दो बस। बहुत खूबसूरत बात कही आपने उसमें भाई, आपसे इजाजत चाहेंगे कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों बाद हम फिर शो करेंगे मिलके इंशाल्लाह। और भाई आप जहां भी जॉब कर रहे हैं आप ईमानदारी से आपने करनी है, और अगर मुश्किलात हैं भी तो आपने छोटी छोटी प्रॉब्लम इंजॉय करनी है।